गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी मैं आया हूँ शूट पर एंड जस्ट अ छोटी सी वेब सीरीज का शूट है। इतना बड़ा कुछ रोल नहीं है एंड ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह मैं ब्रेकफास्ट का टाइम है तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, देन आप लोगों से बात करते हैं। एंड नाश्ता करने से पहले गाइस एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, अभी है ना कॉस्ट्यूम चेकआउट था सो अपना कॉस्ट्यूम तो गाड़ी में भूल आया था। इतना दूर अंदर मतलब गांव में हो रही अंदर शूटिंग सो बहुत अंदर आना पड़ा था चलकर, अब देन वापस रिटर्न जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना कॉस्ट्यूम गाड़ी में भूल आया था। सो फटाफट गाड़ी से कॉस्ट्यूम उठाते हैं। शूटिंग लोकेशन अपनी गाड़ी तो पैदल चल वॉक करके नहीं जाएंगे गाइस, अब डायरेक्ट गाड़ी उठा के लिए चलते हैं अपन अंदर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है लिटरली। मैं घर से 4 बजे निकला था और यहाँ आते आते कम से कम 2 घंटे हो चुके क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आते क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ओके सो गाइस पैकअप हो चुका था एंड शूट भी कंप्लीट हो गया था, अभी मैं घर आ चुका हूँ। मैं सुबह 4 बजे का निकला हुआ था घर से एंड अभी मैं 7 बजे घर आया हूँ शाम को। मैं वहाँ पर आप लोग के लिए गाइस ब्लॉग शूट करता बट वहाँ पर ब्लॉग शूट करना एंड वीडियोस बनाना एंड फोटो कैप्चर करना अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, प्रोडक्शन के मेंबर्स अलाउड नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी कि सबसे ध्यान रख रहे थे कि कोई वीडियो शूट तो नहीं कर रहा एंड फोटोज़ तो क्लिक नहीं कर रहा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं जो मैं ब्लॉग अभी के शूट में गया था उसमें अलाउड नहीं था, आप किसी भी पर्टिकुलर लोग सीरियल्स या फिर मूवी या फिर शोज किसी को भी ले लो किसमें भी अलाउड नहीं होता फोटोज़ एंड वीडियोस कैप्चर करना। तो मैं ब्लॉग तो शूट नहीं कर पाया एंड मैं पैकअप के बाद शूट करता बट इतनी अच्छी लाइटिंग थी नहीं गाइस क्योंकि हम लोग विलेज में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग थी नहीं कि मैं वहाँ पे कैप्चर कर पाता एंड मेरे मोबाइल से भी इतनी अच्छी वीडियो कैप्चर हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया घर चल के डायरेक्ट ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी तो मैं घर आ चुका हूँ एंड अभी घर पे तो कोई है नहीं बिकॉज मम्मी पापा एंड बहन ये लोग तो घर वाले तो अभी भोपाल गए हुए हैं बिकॉज मेरे जो मौसी की लड़की है उनकी शादी अभी क्लोज आ रही है सो इसलिए वो शॉपिंग करने गए हुए हैं एंड अभी तक वो आए नहीं। अभी पापा का कॉल आया था लोग रास्ते में आने वाले, तो अभी मैं तो घर आ चुका हूँ एंड अभी मैं जल्दी से रेडी होता हूँ बिकॉज अभी मेरे घर के सामने शादी चल रही है तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। ना के तो रेडी मैं हो चुका हूँ एंड अभी चलते नीचे बट अभी जब मम्मी एंड पापा भोपाल से आ रहे थे तो मैंने मम्मी को कॉल करके बोला था कि थोड़ा कोकोनट वाटर ले आना एंड फ्रूट्स ले आना थोड़े और देखो हमारी मम्मी क्या लेके आएंगे। कहेंगे सबसे अलग हटके ना फ्रूट्स ना कोकोनट वाटर कुछ भी नहीं, हमारी मम्मी लेके आएंगे राइस। सब लाएंगे तो उसको खा लेते हैं गाइस एंड कुछ सुबह से ढंग से खाया भी नहीं है। वहाँ पे गया था वहाँ पे इतने अच्छे अरेंजमेंट्स ही नहीं, बाकी मैं वो भी शूट्स में गया हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होती थी। सो इस वाले शूट में इतने अच्छे अरेंजमेंट्स थे और मैंने खाना भी नहीं खाया था अच्छे से। सो अभी मुझे भूख लग रही है एंड नीचे भी खाना स्टार्ट होने भी टाइम है सो मैं थोड़ा सा ही खा लेता हूँ देन नीचे चलते हैं। ओके गाइस खाना खा के तो मैं आ चुका था एंड अभी गाइस मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता इतने ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मैं सुबह से खड़ा था एंड शूट में बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया सो गाइस अभी तो मैं डायरेक्ट सोने जा रहा हूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे गुड स्टे स्ट्रॉन्ग। Thank you.